السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز سامعين अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है और इस आयत को आज का अपना मौजू या सुखन बनाया है, इसके बारे में चंद बातें आप हजरात तक, आप सामेईन, आप मुशाहिदीन तक पहुंचाने से पेशतर कबल मुनासिब समझता हूं, ज़रूरी भी समझता हूं कि एक मरतबा नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाह रब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौज़ा सामईन, मैंने अभी जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, वलकद नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन वअंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाहा लअल्लकुम तशकुरून, इसका तर्जमा यह है कि और बेशक तहकीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारी बदर में मदद फरमाई, मदद की, और तुम जब तुम बिल्कुल बेसरो सामा थे, तो अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। ये रहा आयत का तर्जमा। आइए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बदर में मोमिनों की, मुसलमानों की किस तरह मदद फरमाई, सबसे पहले मैं इस पर नज़र डालना चाहूँगा। देखिए, बदर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनों की इस तरह मदद फरमाई कि बदर में मोमिनों और मुसलमानों की तादाद 313 तादाद थी और कुफ्फार की तादाद तकरीबन 1000, किताब में आया है 950, तकरीबन 1000 तादाद थी। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनों की, अहले बदर की इस तरह मदद फरमाई कि जब ये मोमिनीन अहले बदर सहाबाए किराम बदर के मैदान में जंग कर रहे थे, उस वक़्त अहले कुरैश को, कुफारे मक्का को ये लगता था, उन्हें ये नज़र आती थी, यानी उनकी तादाद जो थी अपनी तादाद से कई गुना ज़्यादा तादाद उन्हें नज़र आती थी, बड़ी तादाद उन्हें नज़र आती थी, दो गुना नज़र आती थी, इसलिए कि तादाद उन्हें इसके तादाद ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तादाद नज़र आने की वजह से कुफ्फार के दिल में खौफ और दहशत तारी हो गई और वो मतलब इस कश्मकश में पड़ गए कि हम इन मोमिनीन से, मुसलमानों से मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये अल्लाह की मदद थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों की तादाद को, कुफ्फार को डबल दिखाया और मोमिनों को कुफ्फार की तादाद कम नज़र आती थी, बहुत ही कम, इसलिए ताकि मोमिन उनकी भारी तादाद, कसीर तादाद, संख्या देखकर ना घबराए कि हम जंग नहीं लड़ सकते। ज़्यादा कुफ्फार का खौफ और रौब मोमिनीन अहले बदर साहबे किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन के दिल में ना हो, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफ्फार की तादाद, कुफ्फार की संख्या मोमिनीन के की नज़र में उन्हें कम दिखाया और कुफ्फार को मोमिनीन की जो तादाद कम थी ज़ाहिरन उनको ज़्यादा दिखाया ताकि उनका रौब और उनका खौफ कुफ्फार के दिल में ज़्यादा रहे, ज़्यादा हो और उन्हें मोमिनीन की क़ुव्वत, ताकत का एहसास हो और वो डरे ताकि जंग की शिकस्त की नौबत आए उन्हें, ताकि वो जंग छोड़कर भाग जाए। मौज़ा सामईन, मैं पहले ये बात वादे करना चाहता हूँ
क्लियर करना चाहता हूँ, साफ करना चाहता हूँ कि ये जंगे बदर क्या है, बदर किसको कहते हैं। तो देखिए, जंगे बदर, गज़वाए बदर, यौमुल फुरक़ान, यौम बदर जिसे कहा जाता है, क़ुरान में इस गज़वाए बदर को यौमुल फुरक़ान से याद किया। ये बदर रमज़ानुल मुबारक, 17 रमज़ानुल मुबारक, माह रमज़ान, महीना रमज़ान का था और 17 रमज़ानुल मुबारक दिन जुमा का था। तो 17 रमज़ानुल मुबारक जुमा के दिन यौमुल फुरक़ान, यौम बदर वाक़ी हुआ और इसमें मोमिनीन, मुसलमानों की जीत हुई, मोमिनों को फतह मिली और कामयाबी और कामरानी मिली। बदर में मुसलमानों की तादाद 313 और उनके पास 2 घोड़े और 70 ऊंट और 6 ज़िरह और 8 तलवारें थी, जबकि दुश्मन की तादाद कितनी थी, 1000 तादाद, और उनके पास 100 घोड़े, 700 ऊंट और बकसरत बहुत ज़्यादा ज़िरह, जंगी जंगजू पोशाक लिबास और बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में हथियार तलवारें उनके पास थी। मगर सहाबाए किराम को आखिर में जीत मिली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों के ज़रिए से मोमिनों की, अहले बदर की मदद फरमाई। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों को, 1000 फ़रिश्तों को भेजा, उसके बाद 3000, फिर 5000 फ़रिश्तों को भेजा और बाज़ाब्ता बज़ाहिर सहाबाए किराम ने देखा कि उन्हें, यानी अपनी तलवार कुफ्फार की गर्दन पर मारने से पहले, उसकी गर्दन उड़ाने से पहले उनकी तलवार का असर कुफ्फार की गर्दन पर पड़ने से पहले उनकी गर्दन तन से जुदा हो जाती, उनका सर जिस्म से, तन से जुदा हो जाता। सहाबा ने देखा तो ये असर फ़रिश्तों का असर था, फ़रिश्ते मोमिनीन अहले बदर के साथ उनकी मदद फरमा रहे थे फ़रिश्ते। फिर 3000 फ़रिश्तों का वफ़द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा अहले बदर की मदद और उसकी नुसरत के लिए, उनकी मदद के लिए, हिमायत के लिए। फिर 5000 तादाद फ़रिश्तों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यौम बदर, यौम फुरक़ान के दिन अहले बदर की मदद और उसकी नुसरत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाया। और आखिर में कुफ्फार भाग निकले, भाग गए और आखिर में मोमिनों की फतह हुई, उनको कामयाबी मिली, कामरानी मिली। इस जंग में 14 सहाबा इकराम शहीद हुए, जामे शहादत नोश फरमाए, उनमें से 6 मुहाजिर और 8 अनसार। और कुफ्फार की तादाद में बताया कि तकरीबन 1000 थी, उनमें 70 कुफ्फार वासिले जहन्नम हुए और 70 को क़ैद किया गया। तो 70 कुफ्फार मरे, कत्ल हुए और 70 को क़ैद किया गया। इनमें बहुत सारे कुफ्फार के बड़े बड़े सरदार लीडर्स थे, जिनमें अबू जहल, उसके बाद उतबा, शैबा, उमैया बिन खल्फ, उनका नाम जिक्र है कि ये लोग इसी जंगे बदर में मारे गए, उनको कत्ल किया गया। और मुअज़्ज़ज़ सामईन, इन 313 अहले बदर की तादाद में से 60 मुहाजिर की तादाद थी और 253 अनसार की तादाद थी। यहाँ एक काबिले गौर बात है कि ये जंग की नौबत क्यों आई, ये जंग आखिर क्यों शुरू हुई, स्टार्ट क्यों हुई, क्यों जंग लड़नी पड़ी, ये जंग क्यों हुई। तो इसका सबब एक ये है, मेन सबब, रीज़न, उमर बिन हज़रमी की कत्ल, उमर बिन हज़रमी का कत्ल ये मेन सबब है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसका असल रीज़न क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मक्का और ताइफ के दरमियान एक मकाम जिसका नाम नखला है, उस जगह पर हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश को
एक लश्कर का अमीर बनाकर, सरदार बनाकर उनको मक्का और ताइफ के दरमियान जो जगह है नखला, वहाँ उनको रवाना फरमाया। रजब का महीना था, दो हिजरी रजब का महीना था, और अब्दुल्ला बिन जहश अपने लश्कर के साथ रजब की आखिरी तारीख को मकाम नखला में पहुँचे। वहाँ जब पहुँचे तो उसी दिन कुफ्फारे कुरैश का तिजारती काफ़ला भी, जिसका सरदार आमिर बिन हज़रमी था, वो भी उसी दिन नखला नामी जगह में पहुंचा था। तो जब हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश ने उसको देखा तो अपने साथियों से अपने लश्कर के अफराद से मशवरा किया, और मशवरा करने के बाद अपनी जान की हिफाजत के लिए ये फैसला लिया कि उन पर हमला किया जाए, उस पर अटैक किया जाए। तो आखिरकार हज़रत एक सहाबी रसूल हज़रत असद बिन अब्दुल्ला तमीमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक तीर मारा और उनके भाई उमर बिन हज़रमी को जा लगा, और वो इस तीर से वासिल जहन्नम हो गया, वासिल नार, यानी वो मर गया, उसी तीर से वो मारा गया। फिर ये वाक़या मक्का में मतलब फैल गया, और इतना कुफारों के दिलों में गज़ब और गैज़ आया कि ये इस वाक़या ने, यानी उसकी कत्ल ने कुफारे मक्का को और मज़ीद इश्तियाल, यानी जंग लड़ने पर उसको मजबूर किया और उसको उभारा। तो यही ये सबब था। उसके बाद हज़रत जिब्रील अमीन, मैं आपको बता दूँ कि जंग बदर मदीना मुनव्वरा से 80 मील दूरी पर वाक़ है, 80 मील फासले पर बदर मकाम बदर वाक़ है, मैदान बदर वाक़ है मदीना मुनव्वरा से 80 मील की मसाफत की दूरी पर। ये यहाँ बदर एक आदमी का नाम था, वह आदमी यहाँ आया और साहिल समंदर के किनारे आबाद हो गया, और आहिस्ता ये आबादी में बदल गई, ये सनसान और ये खाली मैदान आबादी में बदल गई। ऐसा होता था कि मक्का तुल मुकर्रमा से मुल्क शाम और मुल्क शाम से मक्का मुकर्रमा आने और जाने के तजारती काफ़िला का ये मकाम बदर मरकज़ बन गया। जो भी काफ़िला मक्का तुल मुकर्रमा से मुल्क शाम जाता, रवाना होता, तो वो इस जगह में मकाम बदर में आराम के गर्ज से, सुकून और चैन के गर्ज से, राहत लेने के गर्ज से यहाँ पड़ाव डालते और कुछ वक्त तक यहाँ आराम करते। फिर वो मुल्क शाम के रास्ते तक सफ़र करते। फिर जब मुल्क शाम से कोई काफ़िला, तिजारती काफ़िला मक्कतुल मुकर्रमा आता तो वो भी इस जगह पड़ाव डालते। यानी ये एक मरकज़, एक सेंटर बन गया था मक्का में बदर। इस जगह में कोई भी काफ़िला जब आता तो आरामगाह के लिए इस जगह को मुंतखब करता। तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और ये वही के ज़रिए से बताया कि सुफियान, ईमान लाने से पहले का वाक़िया है कि सुफियान, अबू सुफियान जो कुफ्फार के तिजारती काफ़िले का सरदार था, वो मुल्क शाम में था। तिजारत खरीद व फरोख्त से फारिग होने के बाद जब उसका काफ़िला मक्का की तरफ रवाना होने लगा तो ये खबर हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर दी कि आप ऐसा करें कि बदर में जाएं और उनका रास्ता रोक लें और उनके काफ़िले पर हमला करें, उसके काफ़िले को रोक लें और उसके जो मालूमता हैं वो सब आप उन्हें उनसे ले लें। तो हज़रत नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी जल्दी हो सका सहाबा किराम को इस बात पर मुत्तला फरमाया, बाखबर किया, और जो भी सहाबा किराम थे इकट्ठा हुए और निकले मकाम बदर तक। फिर किसी तरह किसी जासूस के ज़रिए से अब सुफियान को पता चल गया कि मुसलमान का लीडर, सरदार मुसलमान हमारा काफ़िला लौटने के लिए मकाम बदर में हमारे रास्ते को रुके हुए हैं और हमारे काफ़िले को लौटने का मनसूबा है, प्लान है। तो उन्होंने क्या किया, उसने अब सुफियान ने जो काफ़िले का सरदार था, तमाम कुफार कुरैश के जितने भी सामान थे तमाम को ला रहा था मुल्क शाम से मक्का, तो उन्होंने एक कासिद भेजा और कासिद को ये कस्त दिया कि जाकर ये कह दो
कि मुसलमान मदीना वाले बदर के रास्ते में हमारे रास्ते रोकने के लिए और हमारे काफ़िले के मालो मता साजो सामान को छीनने के लिए लेने के लिए हमारा रास्ता रुके हुए हैं और हमें ख़तरा लायक है, हमारा रास्ता महफूज मामून नहीं। तो जितनी जल्दी हो सके भारी तादाद में कसर तादाद में कुफार मतलब मक्का वाले मेरी मदद के लिए आए, ये कासिद भेज दिया अबू सुफियान ने। उसके बाद फिर सुफियान अबू सुफियान बहुत चालाकी से क्या किए, आम रास्ता चेंज करके बदल करके साहिल समंदर से होते हुए समंदर किनारे से होते हुए मतलब वो निकल गया और इधर नबी करीम सल्लम और सहाबा इकराम इंतज़ार में थे, तो वो रास्ता बदल कर साहिल समंदर से होते हुए गुजर गया। फिर जब उन्होंने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया, महफूज मतलब बहुत हिफाजत महसूस किया कि हम मतलब हिफाजत से हमें कोई डर लायक नहीं, अमन जब उन्हें मिला, जब ये एहसास उन्हें हुआ, तो उन्होंने फिर एक तेज़ रफ्तार कासिद को ये पैगाम दे के भेजा कि मना कर दिया जाए कि हम अभी महफूज और मामून हैं, हमें कोई ख़तरा लायक नहीं है, हमारा काफिला दुश्मन से दूर है और दुश्मन की शर से महफूज है, तो ऐसा करें आदमी वापस चला जाए। मगर जब ये कासिद जाकर ये पैगाम सुनाया, मैसेज सुनाया, तो अबू जहल ने सबको भड़काया और इश्तियाल किया और उन्होंने बाज़ाब्ता आदमियों को लाया यौम बदर में। सहाबा किराम का इरादा और अज़्म नहीं था मतलब जंग करने का, लड़ाई करने का, इसलिए सहाबा किराम के पास ज़्यादा कुछ माल नहीं थे, इसलिए कि जंग के इरादे से नहीं निकले थे। तो सहाबा किराम से नबी करीम सल्लम ने मशवरा लिया, राय मांगा कि क्या किया जाए, इस हाल में अभी जंग लड़े बगैर हमारी जान की हिफाजत नहीं हो सकती, अगर हम वापस जाए फिर भी हम सुरक्षित वापस नहीं जा सकते। तो इस हाल में सहाबा किराम हजरत उमर और हजरत अबू सदीक और दीगर सहाबा किराम ने मशवरा दिया कि हम जंग की जाए, लड़ाई लड़ी जाए। बहर कैफ सहाबा किराम जंग लड़े और इस जंग में आखिर अहले बदर मोमिनों की और इस्लाम की फतह हुई, इस्लाम को कामयाबी मिली और कामरानी मिली। मगर आखिर में 14 सहाबा किराम भी जाम शहादत नोश फरमाए और कुफार में 70 कुफार कत्ल हुए और 70 को क़ैद किए गए और बाकी भाग गए, फरार हो गए। फिर आखिर में अल्लाह उन्होंने हथियार डाल दिए और इस्लाम को कामयाबी मिली। मौजा सामईन, इस पूरे वाक़िया से हमको ये मिलता है कि ज़ाहिरन क़ुव्वत और ताकत इंसान की हो सकती है, मगर देखी जाए तो मतलब असली क़ुव्वत दर हकीक़त क़ुव्वत दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क़ुव्वत है। तो इंसान की ज़ाहिरी क़ुव्वत के साथ जब तक अल्लाह की क़ुव्वत और अल्लाह की नुसरत और मदद ना हो, कोई भी जंग हम नहीं जीत सकते। तो इस वाक़िया बदर से हम सभी को ये सबक मिलता है कि हम कामिल मोमिन बन जाए, अच्छा मोमिन बने, पक्का मोमिन बने, मुत्तकी बने, परहेज़गार बने और अहले बदर के नक्श कदम पर चले। क्या ही किसी शायर ने फरमाया, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। तो देखिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर मिस्र में औरतों ने अपनी उंगली मतलब उंगली काटी, मगर मर्दाने अरब नबी करीम सल्लम के हुस्न पर उनके जमाल पर अपना सर अपने गर्दन कटाते। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न से हमारे नबी करीम सल्लम का हुस्न कई गुना कई बाला हुस्न था। मौजा सामीन, अहले बदर के नामों में बहुत ज़्यादा बरकतें हैं। रिवायत में है कि अहले बदर के नामों की बरकत से बहुत ख़ास बंदे मक्का में विलायत तक पहुँचे, बहुत विलायत तक बहुत सारे नेक बंदे वली के मकाम तक जो पहुँचे, तो अहले बदर के असमा की तवस्सुल और उनके तसद्दुक और उनकी बरकत के वसीले से। रिवायत में आया है कि अहले बदर पर जन्नत वाजिब है। रिवायत में है कि अहले बदर बदर और हुदैबिया में हाजिर होने वाले को हरगिज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आग में दाखिल नहीं फरमाएगा।
ये भी रिवायत में है, किताब में है कि एक आदमी, एक हाजी साहब हज करने को गया। उन्होंने आसमाए अहले बदर एक कागज़ में नोट फरमा कर दरवाज़े पर महफूज फरमाया और वो हज को चले गए। उसी रात को चोर चोरी की गर्ज से, नियत से उनके घर पे आए, मगर जब ये घर पे आए, दाखिल हुए, तो हथियारों की आवाज़ें आ रही थी उनके घरों से। तो फिर वो चोर डर के मारे भाग गए। फिर दूसरी रात वही चोर दोबारा लूटने की गर्ज से, नियत से आए। फिर वही जो पहली रात हथियारों और तलवारों की आवाज़ें उन्हें सुनने को मिली थी, दोबारा सुनने को मिली। फिर इसी खौफ से और रौब से, डर से वो लोग चले गए। आखिरकार जो चोर का मालिक था वो वहाँ रुका रहा। जब हाजी साहब मदीना मुनव्वरा से और मक्का मुकर्रमा की ज़ियारत से और हज करके आए, तो उनसे पूछा कि आखिर मामला क्या है। उन्होंने कहा कि मैं हज को जाते वक़्त आयतुल कुर्सी और असमाए अहले बदर, अहले बदरगीन उनका नाम लिखकर मैंने दरवाजे पे महफूज कर लिया था। तो देखिए, यही तो उन्होंने, चोर ने कहा कि मुझे यही काफ़ी है। तो बेशुमार बरकतें हैं और रहमतें हैं अहले बदर के असमा में, और इससे दुआएं कबूल होती है, दुआएं रद्द नहीं की जाती है। हमें चाहिए कि हम असमाए अहले बदर को अपने विर्द में और अपने ज़िक्र में रखें। और आखिर में ये मैं क्या कहना चाहूँगा कि हदीस में है, असहाबिक नजूम फ़बाइम इकतदई तुम एहतदई तुम, कि नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा किराम असहाबिक नजूम सितारे के मानंद हैं। फ़बाइम इकतदई तुम एहतदई तुम, तो इन सहाबा में से जिन्होंने, जिन तुम लोगों ने जिनकी भी पैरवी की, इतबा की, तो तुम हिदायत पा गए, तुमको राह रास्त मिल गई। मौजा सामईन, ये इत्तेफाक़ है कि आज का दिन भी जुमा का दिन है और माह रमज़ान है, और 17 रमज़ान, इसी माह रमज़ान 17 को यौम बदर, यौम फुरक़ान का वक़ूअ हुआ है। तो हम सभी को चाहिए, और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आखिर में दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आप सभी को अहले बदर जैसा ईमान और उन जैसा इश्क, उन जैसा जज्बा जुनून और इस्लाम की खातिर मर मिटने की ताकत, जज्बा जुनून अता फरमाए, और हम ही को, हम सभी को, ख़ास कर अहले बदर, असमा अहले बदर के फ़ौज़ व बरकात हम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाज़िल व शामिल फरमाए, और इन अहले बदर के तवस्सुल से हमारे गुनाह खता को माफ़ फरमाए, हमारे अहले ख़ानदान के गुनाह खता को माफ़ फरमाए, जितने भी हमारे लवाहिकीन में से जो भी गुज़र गए हैं फैमिली में से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन असमा अहले बदर के तवस्सुल से उनके जुमला खता को, गुनाहों को माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।